हेलो बच्चों सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन व्हाट इज़ ट्रू अबाउट राइबोसोम्स सो हेयर वी आर गिवन विद फोर स्टेटमेंट्स हमें बताने कि इन फोर स्टेटमेंट्स में से राइबोसोम के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही और अप्रोप्रिएट है सो लेट्स स्टार्ट अवर सोल्यूशन विद द की कॉन्सेप्ट सो की कॉन्सेप्ट हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे दैट इज राइबोसोम सो लेट्स स्टार्ट

both प्रोकेरिओट and eukaryotes and eukaryotes then ये क्या करता है प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है देन इसकी दो यूनिट्स होती हैं इट हैज़ टू यूनिट्स वन इज़ सेवेंटी एस सेवेंटी एस किसके अंदर देखने को मिलती है प्रोकैरियोट। अनदर वन इज़ दी ए टी एस एस हमें देखने को मिलती है यू के अंदर सो लास्ट वन इज़ ड ट सेल्फ रेप्लीकेट वाई डजेंट सेल्फ रेप्लीकेट बिकॉज इट डज नॉट हैव इट्स ऑन डी एन ए सो ये सेल्फ रेप्लीकेट नहीं कर पाएगा सो हेयर्स द की कंसेप्ट लेट्स बैक टू अवर ऑप्शन हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट और करेक्ट ऑप्शन बताना है सो ऑप्शन इस इज दीज आर सेल्फ रेप्लीकेटिंग इंट्रोन्स हैव सम नो सेल्फ रेप्लीकेटिंग हो ही नहीं सकते बिकॉज इनके पास डीएनए प्रेजेंट नहीं होता तो फर्स्ट स्टेटमेंट रोंग हो गई सेकेंड स्टेटमेंट से प्रो केरियोटिक राइबोजोम हैव एट एस नो हमने क्या पढ़ा है कि जो प्रो केरियोट्स होते हैं दे हैव सेवेंटी एस एंड यू केरियोट के पास क्या होते हैं एट एस सो ये स्टेटमेंट भी रोंग हो गई थर्ड स्टेटमेंट सेज़ दीज आर कंपोज ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन जो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ठीक है बट बिफोर कमिंग टू द कंक्लूजन लेट सी द लास्ट ऑप्शन एज वेल दे फाउंड ओनली इन यू कैरियोट नो दे फाउंड इन बोथ यू कैरियर एंड ट्रू कैरियोट सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन सी सो हेयर ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन सो वी हैव प्रूवंड अवर सोल्यूशन विद द की कंसेप्ट एज वेल आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल ऑल द बेस्ट थैंक यू